यूपी में चुनाव की तैयारी है, दूसरी ओर यहां पर अवैध हथियारों के पकड़े जाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। तस्वीरें बिजनौर की हैं, यहां पर पुलिस ने 250 से ज्यादा अवैध हथियार पकड़े हैं। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हथियारों की इस फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद अब पुलिस ये जानने में जुटी है कि इन हथियारों का इस्तेमाल कहां होना था और इसके खरीदार कौन कौन है। पुलिस को आशंका यह है कि इन हथियारों का इस्तेमाल चुनाव में हो सकता है। करीब 200 के आसपास शस्त्र बरामद हुए हैं और भारी मात्रा में बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं, जिसमें राइफलें, पिस्टल, रिवाल्वर, 12 बोर के तमंचे और 315 बोर के तमंचे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका मिसयूज ही होना था, इतने भारी संख्या में जो हथियार बरामद हुए हैं।